Hi guys, my name is Ila and welcome back to Her Fabway. आज का वीडियो एक Amazon haul वीडियो है जहां मैं आपके साथ बहुत सारे बहुत यूजफुल प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं. Let's start unboxing them. But before that, I want to confirm कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड नहीं है. These are all my favorite picks. So let's get started and also do not forget to join us on Instagram. My Instagram handle is Her Fabway. हम लोग अपनी किचन में किसी भी गर्म चीज को ढककर ठंडा करने के लिए मेश लिड्स यानी जाली यूज करते हैं, चाहे वो हॉट मिल्क हो, हॉट ऑयल हो या गर्म सब्जी हो. बट अगर कोई गर्म चीज छोटे वेसल में हो तो उसे कैसे ढके ताकि वो जल्दी ठंडी हो जाए. इवन आई यूज टू यूज दिस बिग मेश लिड बिफोर आई फाउंड दिस क्यूट प्रोडक्ट. लेट्स अनबॉक्स इट. ये है स्टेनलेस स्टील की छोटी जाली स्मॉल मेश लिड्स, जो हमारी रेगुलर बड़ी जाली होती है उनका स्मॉल वर्जन बट इक्वली यूजफुल. अब छोटी सी कटोरी को कवर करने के लिए बड़ी जाली की नीड नहीं है, हम ये मिनी मेश यूज कर सकते हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि पीने के लिए दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है या उसी तरह से पीने के लिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उनको भी ढकने के लिए और ठंडा करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं. Handy and full of utility. This is a thermosteel hot and cold flask. This is again a very useful product. जब भी हमें ऑफिस में कोई करी वाली डिश ले जानी होती है, फॉर एग्जाम्पल दाल सांबर सूप एनीथिंग, तो उसके लिए फ्लास्क एकदम परफेक्ट है. ये आपकी करी भी गर्म रखता है एंड साथ में ये फ्लास्क लीक प्रूफ भी है. लेट्स डू अ स्मॉल टेस्ट. मैं यहाँ इस फ्लास्क में हॉट सूप डाल रही हूँ. लेट्स चेक क्या ये एक्चुअल में लीक प्रूफ है. यस, ये एक्चुअल में लीक प्रूफ है, नो लीकेज एट ऑल. Let's do another test. इसके अंदर मैं ये हॉट राजमा डाल रही हूँ एंड एक बार इसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं. एंड एज वी कैन सी दिस इज 90.5 डिग्री सेल्सियस. और अब एक बार टाइम भी चेक कर लेते हैं, इट्स अराउंड 6:30. अब हम इसके लिड को क्लोज कर देंगे एंड थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर चेक करेंगे. सो इट्स 11 राइट नाउ. हम अराउंड 4.5 आवर्स बाद इसका टेम्परेचर फिर से चेक करेंगे. इट इज 90 डिग्री सेल्सियस, विच शोज कि इतनी देर बाद भी हमारा फूड ऑलमोस्ट उतना ही गर्म है. दिस इज ग्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी वेरी यूजफुल फॉर ट्रैवलिंग एंड सेकेंडली अगर आपके वर्क प्लेस में फूड गर्म करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, देन अगेन इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर यू. आपका फूड इसमें गर्म ही रहेगा. This is a multifunctional can and jar opener. इसका first function है ये hook जो कि एक can opener है. Tab को lift करिए और इस तरह से pull कीजिए. See, it's done. इसका next function है ये bottle opener. It's super sturdy. उसके बाद है ये anti-slip grips for opening jars. ये लाइटवेट भी है और आपके एफर्ट्स भी सेव करता है. लुक, इट्स सो इजी. इसका फाइनल फीचर है ये कटर. पैकेट को होल्ड करके ऐसे स्लाइड करिए एंड लुक, इट्स ओपन. क्वाइट नाइस. आप इसको ट्रैवलिंग के टाइम भी कैरी कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी. हम सब ये इशू फेस करते हैं कि जो हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है कुछ टाइम बाद उसकी शाइन खत्म हो जाती है और उसकी पॉलिश भी खराब हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी के दो एनिमीज हैं, मॉइस्चर एंड केमिकल्स. फर्स्टली हम मॉइस्चर के बारे में बात करेंगे. तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कभी भी इस तरह के वेलवेट बॉक्सेस में या जो ये इस तरह के पाउच होते हैं इसमें स्टोर मत करिए, बिकॉज दे आर नॉट एयर टाइट. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर इनको हमेशा एयरटाइट बैग में ही रखिए. पहले मैं इस तरह की पॉलिथीन्स एंड जिपलॉक बैग्स यूज करती थी जो बहुत जल्दी फट जाते थे, तो
तो इन्हीं को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए हेयर इज आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये है वाटर रेजिस्टेंट स्लाइडर पाउच। ये प्लास्टिक पाउच है जिसमें हमारी ज्वेलरी डस्ट से एंड मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड रहेगी। इसमें आपको 4 साइज के 5 पाउच मिलते हैं, इन टोटल 20 पाउच। मच स्ट्रॉन्गर देन रेगुलर जिपलॉक बैग्स। मॉनसून इज है और इस वेदर में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पैक करके रखना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स क्विकली सील देम। सो हमारी सारी ज्वेलरी पैक हो चुकी है और क्योंकि ये बैग्स ट्रांसपेरेंट है इसलिए ज्वेलरी प्रॉपरली विजिबल भी है। देन अगर आप अपनी ज्वेलरी किसी पेपर में रैप करके रखते हैं तो आप इन पाउच को लेबल भी कर सकते हैं। एंड वी आर डन। आप इन बैग्स को इंडिविजुअली भी रख सकते हैं या फिर किसी एक बॉक्स में कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। फ्यू मोर टिप्स। अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को केमिकल से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो ज्वेलरी को सबसे लास्ट में पहनिए, इवन आफ्टर वेयरिंग परफ्यूम। सेकेंडली, जब आप हेयर स्प्रे कर रहे हैं और अगर आपने माथा टीका लगाया है तो उस टाइम उसको ऐसे कवर कर ले ताकि वो हेयर स्प्रे के कॉन्टेक्ट में ना आए। एंड फाइनली, घर आने के बाद अपनी ज्वेलरी को अच्छे से वाइप कर ले और ड्राई कर ले ताकि उस पे से पूरा स्वेट रिमूव हो जाए और उसके बाद ही इसको स्टोर करिए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, इफ यू आर समवन लाइक मी जिसको चाइनीज बनाते टाइम इस तरह से विनेगर और सोया सॉस कैप में डाल के फिर डिश में डालना इनकन्वीनियंट एंड मेसी लगता है, देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉर यू। बेसिकली ये ऑयल डिस्पेंसर्स हैं। इनकी बॉडी ग्लास एंड स्टील की है बट अंदर से दे आर ऑल ग्लास। मार्केट में ये बॉटल्स डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है बट सोया सॉस और विनेगर के लिए मैंने स्मॉल बॉटल्स ऑफ 300 ml कैपेसिटी ही परचेज की हैं। लेट्स फिल देम क्विकली। इन बॉटल्स का स्पाउट काफी नैरो है जिसकी वजह से हम अपनी डिश में विनेगर एंड सोया सॉस एक कंट्रोल वे में ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो दे आर स्पिल प्रूफ एंड मेस फ्री। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम इन बॉटल्स को लिक्विड फूड आइटम्स जैसे कि विनेगर, सोया सॉस, ऑयल इनके लिए तो यूज कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर केचप और ग्रीन चिली सॉस बिकॉज उनकी कंसिस्टेंसी काफी थिक होती है। ये है एक कोलैप्सिबल बकेट, माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये एक 10 लीटर सिलिकॉन बकेट है। जस्ट लाइक अ रेगुलर बकेट, इट्स हैंडल एंड बेस आर मेड ऑफ प्लास्टिक। आप इनको रेगुलर बकेट्स की तरह ही यूज कर सकते हैं। दे आर लीक प्रूफ एंड इजी टू कैरी। आप इसको फोल्ड करके तो रख ही सकते हैं बट इसमें इसको हैंग करने का भी प्रोविजन है। सच एन एर्गोनॉमिक डिजाइन। These baskets are real space saver. अगर हमारा बाथरूम छोटा है या अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या इवन while traveling, they can prove to be really useful. मेरे पास ऑलरेडी एक बकेट थी, ये मैंने एक और ऑर्डर करी है। समर्स में मैं इनको यूज करती हूँ एसी का वाटर कलेक्ट करने के लिए जो कि बाद में बेल्कनी एक्सेट्रा वॉश करने के काम आ जाता है। एंड विंटर्स में मैं इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। दे हार्डली टेक एनी स्पेस। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर बॉइलिंग हॉट वाटर डालना अवॉइड करें। These are thermosteel hot and cold water bottles. ये bottles round the year use होती हैं, winters में गर्म पानी रखने के लिए and summers में ठंडा पानी रखने के लिए। But ये market में huge variety में available हैं। Let me tell you कि मैंने ये वाली क्यों choose की। First of all, they are very sleek, जिसकी वजह से इन्हें hold करना and carry करना काफी easy हो जाता है। Second reason is that they are actually leak proof. एंड थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग रीजन है कि इन बॉटल्स के साथ हमको एक टम्बलर भी मिलता है जो कि स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम बहुत यूजफुल रहेगा।
बट एक चीज मैं आपको जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये जो बॉटल है इसका सिर्फ कलर ही कॉपर है, अंदर से इट इज ऑल स्टील। इन बॉटल्स में आप कोल्ड बेवरेज जैसे कि बटर मिल्क या फिर हॉट बेवरेज जैसे टी, कॉफी, सूप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। मैंने नोट किया है कि इसके अंदर जो भी आपका बेवरेज हो उसका टेम्परेचर अराउंड 10-12 आज तक तो मेंटेन रहता है, बट उसके बाद वो वापस रूम टेम्परेचर पे आने लगता है। बट इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है कि प्लास्टिक की स्मेल आती हो, तो फ्रेग्रेंस और टेस्ट वो इंटैक्ट रहता है। देयरफॉर आई रियली लाइक देम। नेक्स्ट आर दीज थ्री ग्लास कैनिस्टर्स विद 1500 ml कैपेसिटी। ये कंटेनर्स स्लिम है एंड स्क्वायर शेप्ड हैं। दिस मेक्स देम क्वाइट स्पेस सेविंग। ऑल्सो दे हैव एन एयर टाइट लिड। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मैं अपने स्नैक्स एंड पल्सेस इन वाले ग्लास जार्स में स्टोर करती हूँ। बट कंपैरेटिवली ये वाले बोरोसिलिकेट जार्स बिगर हैं। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर माउथ। ये जार्स उन फूड आइटम्स के लिए परफेक्ट हैं जो कि बहुत स्पेस डिमांड करते हों, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पास्ता, पफ ड्राइस, फॉक्स नट्स एक्सेट्रा। ऑल्सो सिंस ये जार्स एयरटाइट हैं, तो इनके अंदर स्टोर्ड सारे फूड आइटम्स मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड रहेंगे। I also got these two small borosilicate containers. ये containers भी square shaped हैं and इनकी lid भी airtight है। इनके साथ में आपको jar labels भी मिलते हैं। इन jars को आप किसी भी way में use कर सकते हैं। मैं इनको use कर रही हूँ fridge में coconut and green chili store करने के लिए। अगर आपके पास enough vertical space हो तो आप इन jars को stack भी कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आज का लास्ट प्रोडक्ट अनबॉक्स कर रही हूँ। लेट्स क्विकली ओपन इट। एंड यस गाइज, फाइनल प्रोडक्ट है ये एयर फ्रायर। मैंने आज तक एयर फ्रायर कभी यूज नहीं किया है, मैंने इसको सिर्फ वीडियोस में या मॉल्स में देखा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज इट। फिलिप्स मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज इस अप्लायंस का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड दिस सीम टू बी अ सेफ चॉइस, बट लेट्स सी। सो गाइज, दैट्स ऑल टू टुडे। अगर आप इस एयर फ्रायर का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं देन प्लीज लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। मैं कुछ मिनट्स इसको प्रॉपरली यूज करके आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी। सो गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब पे। बाय।